धान खरीदी में एक माह की देरी व चुनावी वादे के मुताबिक 2500 की दर से धान खरीदी ना करने पर पूरे प्रदेश में भाजपा ने एक दिवसीय धरना दिया। कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा के गांधी चौक में आयोजित धरना में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक मोती चंद्रवंशी ने कहा कि भूपेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करे, किसान परेशान होकर धान लिए सोसाइटियों मंडियों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस सरकार की राजनीति को देखते हुए किसान उसे कोस रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने भूपेश सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि वे राजनीतिक नौटंकी छोड़कर किसानों से किए वादों को निभाते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों से 2500 रुपए में पूरा पूरा धान खरीदे। एक माह देर से धान खरीदी का निर्णय कर बिचौलियों को कमाने का मौका दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार। मेन आज जो प्रमुख था वो यही था कि भूपेश बघेल की सरकार किसानों को बरगलाने का काम मत करे, अपने घोषणा के मुताबिक 2500 रुपये में धान किसानों का खरीदे, ये बात को लेकर के, और जनता को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके बताने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी धान नहीं खरीद रहे हैं, मोदी जी धान नहीं खरीद रहे हैं, और दिल्ली तक कुछ करने की बात जो लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था हमारा।